इंडिया के सवाल है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई तीन तरह की डेमोग्राफी में बटी हुई है, शहर, गांव और झोपड़पट्टी इलाका। MRTP एक्ट के तहत ये पूरा शहर जो रेगुलेट होता है और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम खामियां हैं, लेकिन इन खामियों के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश महानगर पालिका और सरकार के द्वारा हमेशा की जाती रही है। यहाँ के तमाम नेता इस तरह की तैयारी करते रहे हैं कि किस तरह यहाँ की समस्याओं को दूर किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है इसके समाधान के लिए सबसे जो सही रास्ता यह है कि MRTP एक्ट में अगर खामी है तो वो खामी क्या है और उसको दूर करने का सही रास्ता क्या है, ये जो कानून के जानकार हैं, जो एक्ट के जानकार हैं, वही सही तरीके से बता सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम सवाल है में आज मैं इसी मुद्दे से जुड़े हुए तमाम सवाल मैं पूछने की कोशिश करूंगा। इस वक्त हमारे खास मेहमान है मुंबई महानगर पालिका के पूर्व टाउन प्लानिंग डायरेक्टर श्री किशोर अग्रहार साहब, और बिल्कुल आपके बगल में है हाईकोर्ट के मशहूर वकील एडवोकेट रमेश त्रिपाठी जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल है कार्यक्रम में, मैं सबसे पहला सवाल सर आपसे ही पूछना चाहूंगा क्योंकि आप इस कानून को अच्छी तरह से जानते हैं कि MRTP एक्ट क्या है। सही मायने में अगर देखें तो 21वीं सदी का शहर मुंबई को कहा जाता है। आप कितना मानते हैं कि MRTP एक्ट में इस तरह की खामियां या इसकी अच्छाइयां क्या हैं जो इस शहर के विकास में बाधा बन रही है? MRTP एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो शहरों की समस्याओं को हल करने के लिए उसको इंस्ट्रूमेंट के तहत उपयोग किया जाता है। उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, उसमें रीजनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के प्रावधान हैं, महानगर पालिका है, नगर पालिका है तो उसके डेवलपमेंट प्लान बनाने के प्रावधान हैं, और इसके साथ साथ उसके रेगुलेशन रूल्स बनते हैं, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन रूल्स कहा जाता है उसको। ऐसे पहले महाराष्ट्र में हर शहर के लिए, हर महानगर पालिका के अलग अलग रूल्स थे, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने पूरे हर शहर के नियमों में समानता लाने के लिए और डेवलपमेंट कंट्रोल में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने नए नियम बनाने का और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एजेंडा भी था। इसमें उन्होंने डायरेक्शन देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने संबंध पूरे महाराष्ट्र के लिए एक्सेप्ट मुंबई, मुंबई शहर बहुत अलग है, मुंबई की रचना या मुंबई में जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो अलग है, इसलिए मुंबई छोड़ के पूरे रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, प्रमोशन डेवलपमेंट कंट्रोल बनाए हैं। और इसका मुख्य प्रावधान है, अभी जो भी समझो अगले अभी रिसेंटली जो अर्बनाइजेशन हो गया और जो माइग्रेशन हो गया बहुत बड़े तादाद पे, और इससे शहरों में बहुत बड़े समस्या निर्माण होने लग गई, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सभी नागरिकों को, सभी शहरों में सबको अच्छी जीवन व्यतीत करने के लिए ये डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स इंट्रोड्यूस किया है। सर, इसमें खामियां किस तरह की अगर आप देखते हैं, नवी महानगर पालिका ने हजारों लोगों को MRTP एक्ट में नोटिस दिया कि आपके निर्माण अवैध हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात चली, आपको लगता है कि क्या, चूंकि आप खुद उसके टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर रह चुके हैं, क्या वाकई कानून में कुछ खामियां हैं जिसके वजह से इस तरह के निर्माण को दिक्कत होती है और नोटिस भेजनी पड़ती है बाद में? इसमें कानून में खामियां है ऐसा नहीं बोल सकते, कानून बनता है सबके सुझाव के बाद। इसमें हर एक जो भी नियम बनता है उसके लिए सजेशन ऑब्जेक्शन लिया जाता है और पब्लिक के सजेशन ऑब्जेक्शन के ऊपर उसकी हियरिंग लेके उसके ऊपर सही निर्णय लिया जाता है, और कानून कभी भी अच्छे सभी को लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसमें पब्लिक की भी उतनी जवाबदारी है, जो प्लान पास होता है, जो भी समझो नियम बनते हैं उसका पालन करना पब्लिक का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर पब्लिक इसमें कर्तव्य करने में कसूर करेगी तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर को ऐसा कोई स्पेशल पावर नहीं है, जो अधिकार एक्ट में दिया है, जो रेगुलेशन में दिया है उसी के मुताबिक उनको काम करना है, और ये पब्लिक को और अधिकारियों को दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सर, अगर ऐसा है तो बीच में जब तुकाराम मुंडे जी ने निर्देश दिया था या जो नोटिस निकाली गई थी उसमें हर बार तकरीबन हजारों मामलों में कोर्ट ने स्टे दिया, आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, क्या वजह थी? अगर कानून सही था या कुछ दिक्कत उसमें नहीं थी तो कोर्ट को स्टे क्यों देना पड़ा? इसमें कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में मेरे को मेरा मत व्यक्त करना ठीक नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि कोर्ट एक स्वतंत्र विभाग है और जो भी एक्शन समझो यहाँ से लिया गया उसमें कुछ खामियां रहेगी तो कोर्ट डेफिनेटली उसका पब्लिक इंटरेस्ट में जो निर्णय देना है वो कोर्ट का अधिकार है। अगर यह अधिकारियों ने अगर कुछ हड़बड़ी में या कुछ जल्दबाजी में अगर कुछ समझो उसमें नोटिस देने में कुछ कसर रखी होगी तो उसका एडवांटेज कभी भी न्यायपालिका को मिलता है, न्याय उसके आधार पर
निर्णय देती है। सर त्रिपाठी साहब, आपने खुद इस तरह के मामलों को लेकर हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में बहुत सारा सीबीडी बेलापुर कोर्ट में आपने तमाम मुकदमे आपने खुद ही हैंडल किए, आपको क्या कारण लगता है कि इस नोटिस के बाद कोर्ट आपने ही कोर्ट का खुद से स्टे लिया था? क्या मामला था, कितने लोगों का ये मामला था जिसको लेकर कोर्ट ने स्टे दिया? अगर आप देखेंगे तो 2016 में एक नई मुंबई में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई कि एक नई मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस की एक बाढ़ सी आ गई थी। अगर आप देखेंगे तो जो उस समय नोटिस इशू की गई, उसमें जो नोटिस इशू की गई तो MRTP एक्ट में और MMC एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजन को ना फॉलो करते हुए नोटिस दी गई, जिसमें मैंडेटरी टाइम पीरियड होता है कि अगर आप किसी के अगेंस्ट में कोई भी नोटिस इशू करके उसके ऊपर अगर आप कोई उसके ऊपर ऑफेंस की जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आपने ऐसा ऑफेंस किया है, तो MRTP एक्ट में सेक्शन 44 में बताया गया है कि जब आपने किसी को बताया कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया या इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, तो सेक्शन 44 ऑफ MRTP एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि वो व्यक्ति अपनी रिप्लाई देगा और रिप्लाई देने के बाद अगर जो चीज़ें रेगुलराइज हो सकती हैं अगर उसको प्रॉपर आर्किटेक्ट के थ्रू एप्लीकेशन करता है तो उस एप्लीकेशन को सुनना चाहिए, और अगर उस एप्लीकेशन अगर उसमें रेगुलराइज करने जैसी गुंजाइश है तो उसको रेगुलराइज करना चाहिए, और नहीं है तब डिमोलिश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो नोटिस देने के बाद 30 दिन का मैंडेटरी पीरियड होता था उसको दिया ही नहीं जाता था, 24 आवर्स और 48 आवर्स की नोटिस दी जाती है, जो कि वायलेशन है सोपान मारुति थोपटे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बताया गया है कि अगर महानगर पालिका या कोई भी टाउन प्लानिंग अथॉरिटी किसी भी इनक्रोचर को या किसी भी इंडिविजुअल को नोटिस देती है तो नोटिस कैसे देना चाहिए, उसमें क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए और उस नोटिस को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से वो नोटिसेज नहीं थी। इसके लिए फाइनली कोर्ट ने मैक्सिमम जो नोटिस थी उसके ऊपर स्टे दिया और डिमोलिशन के ऊपर स्टे दिया। कोर्ट हो, जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो, अल्टीमेटली दोनों का उद्देश्य क्या है कि नेचुरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और जो जो इंडिविजुअल का राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, तो चाहे एग्जीक्यूटिव अगर उसको ओवर रूल करती है तो फिर जुडिशरी उसके ऊपर इंटरफेयर करती है, और चूंकि लास्ट रिसॉर्ट आदमी के पास जुडिशरी रहता है इसके लिए हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है उस समय जो नोटिस दी गई डेफिनेटली चूंकि हायर ऑफिसर का प्रेशर था नोटिस इशू करना था तो उसमें उन सब गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया गया और उसी के कारण कोर्ट में सारे मामलों में स्टे दिया गया। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं अग्रकर साहब, आप जब यहां पर टाउन प्लानिंग डायरेक्टर थे तो क्या उस वक्त भी इसी तरह की जल्दबाजी होती थी जैसे जल्दबाजी तुकाराम मुंडे के दौरान हुई? ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी कभी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का रोल क्या है आपको मैं पहले ही समझाता हूं। टाउन प्लानिंग यानी शहर में जो भी डेवलपमेंट होता है वो जो मंजूर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है उसके मुताबिक होना चाहिए। इसके लिए प्लान का अप्रूवल लेना हर एक जरूरी, कंस्ट्रक्शन करने वाले हर एक बिल्डर बोलो या कोई इंडिविजुअल किसको घर बनाना है तो ये जरूरी है, और वो लोग आर्किटेक्ट के माध्यम से उनका प्रस्ताव सबमिट करते हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को, महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को, और वहाँ से उसकी जाँच करके उसको परमिशन दिया जाता है। अगर उसमें कोई जगह पर परमिशन लेने के बाद परमिशन के बावजूद अगर कुछ गलत काम करता है तो ये उसकी फिर से जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो जितना उसमें अधिकृत अनाधिकृत बांधकाम हो जाता है वो तुरंत समझ में आता है, उसके लिए वो जो नोटिस दिया जाता है वो सही है, और जो अधिकृत बांधकाम है अगर उसके खिलाफ नोटिस दिया तो वो कहीं भी सर्वाइव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जिस जो डिपार्टमेंट की जितनी जवाबदारी है उतनी जवाबदारी हर एक इंसान की भी है, हर एक नागरिक की है, और इसीलिए ये सब व्यवस्था है। सर एक नवम्बई का बहुत बड़ा मामला है, मुद्दा है जो वर्षों से चुनावी मुद्दा रहा है, वो है जर्जर इमारतों के पुनर्विकास का मामला है। फिलहाल अभी 2.5 FSI ऑलरेडी सरकार ने मंजूर भी कर लिया और नेरुल में उसकी शुरुआत भी हो गई, आप इसे कितना फिजिबल मानते हैं? बहुत लंबे समय तक इसकी मंजूरी के बावजूद भी ये पुनर्विकास नहीं शुरू हुआ था, क्या कारण था? आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण इसमें हो सकता है? क्या ये वाकई फिजिबल नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा था? ये 2014 में रिडेवलपमेंट का नया कानून मंजूर हो गया, 25 दिसंबर को पहला प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ है मेरे ख्याल से, और वो भी मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने सेक्टर 6 में हुआ है।
और अभी इसमें गवर्नमेंट ने तो 3 FSI दिया है, 3 FSI और उसके ऊपर 60% तक उसको एंसिलरी FSI मिलता है विद मिनिमम प्रीमियम से, और बहुत सारे उसमें और प्रावधान है अभी जो भी चार्जेस है प्रीमियम के उसको भरने के लिए इंस्टॉलमेंट दिया है। तो ये बहुत सालों से चल रहा है मुद्दा, 1980 से पहले से भी मुद्दा चल रहा है। इसमें बहुत सारे लोक प्रतिनिधि ने इसमें प्रयत्न किया है, मैं सबका नाम लेते रहूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, तो मैं ऐसे इसमें अभी नामों का उल्लेख नहीं करता, और इसमें किसका नाम रह गया तो उसको भी दुख हो जाएगा। तो मैं इसका साक्षीदार हूँ, लेकिन मैंने 1989 से मैं देख रहा हूँ कि ये क्या परिस्थिति है। सिडको ने जो निर्माण किया उसमें जो वीक कंडीशन वीक थी कंस्ट्रक्शन की, उसमें कुछ घटनाएं भी हो गई, इसलिए इसके पीछे बहुत लोगों ने प्रयास किया। अभी चल के गवर्नमेंट ने इसको वायबल करने के लिए, अभी नई जगह तो कोई पैदा नहीं कर सकता, नई जगह का तो निर्माण करना कोई किसी का काम नहीं है, ये कोई फैक्ट्री का काम नहीं है, ये तो जो जगह है उसमें ही सब उसकी व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको FSI दे के उसको वायबल करने के लिए नया नियम बनाया। लेकिन अभी इसका फायदा लोगों ने कैसा लेना है, कितना जल्दी लेना है, ये उनका काम है। अगर उन्होंने ज्यादा प्रस्ताव, ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव जल्दी से जल्दी महानगर पालिका में देंगे तो महानगर पालिका के अधिकारियों का भी इतना ही कर्तव्य है कि उन्होंने भी उसको जल्दी से जल्दी मंजूर करना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हल हो जाए। तो इसमें अभी जो भी प्रावधान आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, सबके फायदे के। इसमें FSI ज्यादा से ज्यादा दिया गया है और प्रीमियम भरने में सहूलत दी गई है। तो अभी मेरे ख्याल से अभी ये जो नियम बना है अभी नए प्रस्ताव में मंजूरी आना शुरू हो जाएगा और इसका ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हल हो जाएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। क्या लगता है सर आपको अभी रीडेवलपमेंट, चूंकि आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इसी से, तो कितना आपको फिजिबल लग रहा है कि अभी ये जल्दी हो जाना चाहिए जो जर्जर इमारतों का मामला है? सबसे पहले तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, चूंकि हम लोग लीगल प्रोफेशन में हमारे पास मुद्दे आते हैं। जब सिडको ने मुंबई की पॉपुलेशन को डिकंजेस्ट करने के लिए इस शहर का निर्माण किया, उस समय जो पहला नोड बनाया गया वासी बनाया गया, वासी में जो JN टाइप की बिल्डिंग है उससे आप सभी लोग परिचित होंगे कि उसकी स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ पर रहना जो है अपनी ज़िंदगी को रिस्क में रखने जैसा है। आज समस्या क्या है कि महानगर पालिका या सिडको के लोकल एम्प्लॉयियों के पास कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, कोई आदमी उसको प्रॉपर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं कर सकता कि वो आज बनेगी कल बनेगी इस हाथ में, उसके कारण वहाँ पे बहुत समस्याएं हो रही हैं। और बारिश में जब आप स्पेशली जब आप बारिश में जाके देखेंगे तो वहाँ पे लोगों को बहुत समस्याएं हैं। तो ऐसा जो महानगर पालिका के ऑफिसर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने ये FSI मंजूर की है और जो सर ने बताया कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी 3 December से ऑलरेडी चालू हो गया है, तो उसका लाभ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। दूसरी एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो महानगर पालिका के ऑफिसर्स या जो सिडको के ऑफिसर्स हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के, एक नई मुंबई के जो व्यवसायी हैं, स्पेशली जो होटल व्यवसायी हैं, उनको आजकल उनका जो लाइसेंसेस है वो रिन्यूअल नहीं किया जाता, और उनको बोला जाता है कि जब तक आप पार्किंग स्पेस अपने एरिया के हिसाब से नहीं देंगे तब तक हम आपको रिन्यूअल नहीं देंगे। लेकिन उसकी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि जो होटल व्यवसायी पिछले 20 साल से अपना धंधा करता हुआ चला आ रहा है, उसका वहाँ उस एरिया में बिल्डिंग भी वही है, रोड भी वही है और होटल भी वही है। अगर आज अचानक महानगर पालिका या सिडको के ऑफिसर बोलते हैं कि आप नए नियम के हिसाब से हमको 10 additional कार पार्किंग ला के दो तभी मैं आपको FSI दूंगा, तो वो बियॉन्ड कंट्रोल है उस व्यापारी के या उस सिटीजन के जो कर नहीं सकता चाहे करके भी। तो और उसके बिना जो उसकी लाइसेंसेस और परमिशंस को नहीं दिए जाते हैं वो जो है आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सीधे वायलेशन है। उनको इसको ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि मैं नई मुंबई होटल एसोसिएशन के लीगल पैनल होने के कारण ये समस्या रोज की है, एक दिन की नहीं है, हर होटल व्यवसायी इससे परेशान है। तो मैं इस आपके TV न्यूज़ के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी हो उसके हिसाब से उनको इस पर आदेश करना चाहिए और उन लोगों के होटल को रिन्यूअल करना चाहिए। अग्रसर तो कितना व्यवहारिक है ये, जब जगह ही नहीं बढ़ रही है, बिल्डिंग वही है, इलाका वही है, तो ये अलग से पार्किंग की जगह कहाँ से आएगी जब तक उसको रीडेवलपमेंट का मौका नहीं मिलेगा? इसकी वस्तुस्थिति के बारे में आपको मैं पहले समझाता हूँ, फिर आप ही इसका हल सोच सकते हैं। जब इमारत बनती है तो उसको इमारत बनते समय वहाँ होटल बनने वाला है, वहाँ शॉप बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ये उसको बनाने वाले को मालूम नहीं रहता है। तो उस कमर्शियल प्रीमाइसेस के हिसाब से वहाँ पर पार्किंग का प्रावधान किया जाता है।
तो उसके बाद अगर कोई बाद में इमारत बनने के बाद ओसी होने के बाद वहां पर होटल का व्यवसाय करने आता है तो वो एक होटल छोटी मात्रा में चलता है। अब बड़े होटल के तो इंडिपेंडेंट प्लॉट सिडको ने अलग से दिए हैं, वहाँ बड़े बड़े होटल मौजूद है और वहाँ पार्किंग की या और कोई भी समस्या नहीं है। ये जो समस्या है वकील साहब ने अभी बताई है वो बाद में जो दुकानों को लेके उसको होटल में कन्वर्ट करते हैं लोग, इससे क्या हो जाता है वहां पर गाड़ियां पार्क हो जाती है और वो बाकी जनरल पब्लिक को आने जाने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए महानगर पालिका उनको पार्किंग का प्रावधान करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ पार्किंग का प्रावधान करने की अभी सुविधा करने की उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो हो नहीं सकती है, वो चाहे के भी नहीं कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको ये कौन से रूल के तहत वो मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं इसके बारे में आपको महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी से मिलना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम की सत्यता क्या है उनको उसका रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसके बारे में उस जरूर आपको समझाएंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। इसके बारे में मैं भी स्लाइड ले लूँगा। जो हमारे सर ने बताया, गायकर सर ने जो बताया उसके ऊपर मैं सहमत हूँ, लेकिन वही महानगर पालिका जब रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों बिल्डिंगें ये बनाती है तो उस कॉमर्शियल में होटल बने या कोई दूसरा दुकान चले, अगर कोई होटल व्यवसायी पिछले 20 साल से ऐसे बहुत शहर 25-30 साल से बसा है जहाँ पे बहुत बहुत मतलब हर बिल्डिंगों में जो है बहुत सारी बिल्डिंगों में होटल्स वगैरह हैं, तो मेरा ऐसा कहने मतलब है कि अभी अचानक आप कोई चीज़ ऐसी इम्पोज कर देंगे कि जो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द सिटीजन रहेगा तो वो रूल मतलब डिसओबे होना ही है। तो मेरा अगेन एक अपील है स्पेशली टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से कि कोई भी ऐसा कंडीशन ना इम्पोज किया जाए जो सिटीजन चाहे करके भी न कर पाए। इसके ऊपर डेफिनेटली सीनियर ऑफिसर से मिलूंगा और इसके बारे में जो फिजिबल सोल्यूशन निकलेगा हम उसमें सिटीजन की तरफ से और बीइंग ए लीगल प्रोफेशनल जो महानगर पालिका को हम लोग साथ में मिलकर के कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सर नवंबर का जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है गौठानों के विस्तार का, चूंकि इतने दिन हो गए सिडको ने पूरा शहर बसा दिया लेकिन जो गौठानों के विस्तार की बात थी वो वैसी के वैसे सिडको ने छोड़ दिया, उसके लिए तमाम मोर्चा आंदोलन चल रहे हैं अभी भी। अब तो ऐसा है कि गौठानों का सिटी सर्वेक्षण शुरू किया गया है ताकि जो वहाँ के मकान हैं उनको रेगुलर किया जाए, जो गजेपोटी मकान खासकर हैं, लेकिन आज तक इस पर सही तरीके से अमल नहीं हो पा रहा है। और उसके पीछे ये कहना है सिडको का कि जब तक सिटी सर्वेक्षण नहीं होता है तब तक ये गजेपोटी घरों का सही तरीके से रेगुलराइजेशन नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है क्या इसमें सबसे बड़ी अड़चन है कि गजेपोटी घरों का नियमन अभी फिलहाल हो पाएगा या सिटी सर्वेक्षण जब तक नहीं होता तब तक ये संभव नहीं है? ये आपने बहुत संवेदनशील मुद्दे पर लेके गए मुझे, लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। एक्चुअली ये जो भी जवाबदारी है जो शहरों शहर निर्माण करने की सिडको की है। सिडको ने बहुत प्रयास किए हैं इसके बारे में वरिष्ठ स्तर पर भी बहुत सारी चर्चाएं होती रही है। इवन कितने मुख्यमंत्रियों के साथ भी यहाँ के लोकल नेताओं ने इसके बारे में मीटिंग की है। एक मेरी जो समझ में आता है वो बात आपके सामने मैं रखता हूँ। जब स्टार्टिंग में ये जो गांव थे बहुत छोटे थे, आपको मालूम होगा यहाँ बहुत आबादी कम होती थी, लेकिन जैसे ही ये गांव में नोड तैयार हो गए, नोड में डेवलपमेंट चालू हो गया तो गांव में भी उसका परिणाम देखने को मिल गया। गांव भी ऐसे बढ़ गए जहाँ पर जो भी खुली जगह थी वहाँ लोगों ने बिल्डिंगें बना दिए, वहाँ फिर लोग रहना आना चालू कर दिए और वहाँ की आबादी इतनी बढ़ गई कि वो बियॉन्ड कंट्रोल हो गई। तो इसलिए ये नए नए समस्या निर्माण होते गए, तो नए समस्या का निर्माण होने से उसका हल ढूंढने के लिए भी उतना ही टाइम लगना जरूरी है। तो ये बहुत बहुत अलग विषय है, इसके बारे में मैं आपको समझाना उचित नहीं लगेगा। सर क्या क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नवी मुंबई में जो मैक्सिमम लिटिगेशन कोर्ट में है अगर आप देखेंगे तो जो गर्जेपोटी जीआर के जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन हैं दे आर द सफरर, आई कैन से हियर ओपनली। देखिए नई मुंबई, फिर अगेन मैं उस पर आ रहा हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1967 में कंसेप्ट लाया कि हमको एक नेबरिंग सिटी बनाना है। 72 से सर्वेक्षण चालू हुआ और उसका 70 से मतलब उसका प्लानिंग वगैरह चालू हुआ। अब आप बताइए कि आज के 40 साल पहले गर्जेपोटी जीआर में अभी उनको बेचारों को परमिशन नहीं मिलती, उनको खाली रिपेयरिंग की परमिशन मिलती है, लेकिन एक उनकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है कि 40 साल पहले अगर जिसको दो बच्चा था उसकी शादी हुई होगी उसके दो बच्चे हुए होंगे,
और उनका जो परिवार बढ़ा, जो उनका कुटुंब बढ़ा, घर उनका छोटा, आज वो उसको मतलब उस एक छोटे घर में 40 साल में जो जनसंख्या बढ़ी, कैसे उसमें रह सकते हैं अगर उसके बारे में सरकार गंभीरता से नहीं सोचेगी, तो ये उनके साथ जो यहाँ के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा। उसके बारे में सोचना चाहिए और उनको FSI बढ़ा करके उनके लिए भी कोई GR लाना, जो गरजू पट्टी GR लाए हुए हैं आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और उनको भी एज पर लीगल जो उनकी FSI है उनको देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि उनका गरजू पेटी GR का घर नहीं बढ़ाने दे रहे हैं और उनको जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड में जो उनको प्लाट मिलना था, आज भी 35% प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन लोगों को प्लाट नहीं मिले हैं। प्रैक्टिकल मतलब एक्चुअली उसमें कारण क्या है, आप लोग दोनों एक्सपर्ट हैं, कानून के जानकार हैं, कि क्या वजह है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? जो 12.5% जो गाउटन एक्सपेंशन एक्सचेंज के जो प्लाटेड हैं उसमें 65-70% लोगों को प्लाट मिले हैं, लेकिन 35% लोगों को आज भी प्लाट नहीं मिल पाए हैं। उसके लिए सिडको को गंभीरता से सोचनी चाहिए और उनको जो उनकी पात्रता के हिसाब से है उनको प्लाट देना चाहिए। एक दूसरा, जो गरजो पोटी GR इन्होंने लाया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और उसमें भी जैसे ये 12.5% प्लाट के और जैसे टेंडर प्लाट के लिए इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस टाउन प्लानिंग बनाए हैं उसको बना करके उनको परमिशन देना चाहिए, उसकी फीस लेना चाहिए, तभी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रोका जा सकता है। नहीं तो जब परिवार बढ़ेगा तो आदमी उसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही। आप भले उसको नोटिस भेजो, भले उसके ऊपर कंडीशन इम्पोज करो, लेकिन जो उसकी रेगुलर ज़रूरत है, जो आपकी मूलभूत चीज़ें हैं उसको पूरा करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिडको, स्पेशली सिडको को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और बहुत फास्ट डिसीजन देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, हमारी बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद, जब ब्रेक से हम लौटेंगे तो क्लस्टर योजना क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और जो 4 FSI 4 FSI की जो चर्चा चल रही है वो नवंबर में कितनी फिजिबल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए TV1 India। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सवाल है मैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है मुंबई के पूर्व टाउन प्लानिंग डायरेक्टर किशोर अग्रहकर साहब और दूसरी तरफ हैं मशहूर हाईकोर्ट के मशहूर वकील एडवोकेट रमेश त्रिपाठी जी। सर, सवालों का सिलसिला मैं फिर से शुरू करता हूँ। मुंबई के लिए या पूरे एक तरह का एक नई चर्चा चल रही है कि अब यहाँ पर 4 FSI की जरूरत है, क्योंकि जो वर्तमान FSI है जो चटनी क्षेत्र है उससे अब काम नहीं चल रहा है। एक अधिकारी के तौर पर जो आप अनुभव करते हैं, क्या 4 FSI कितना फिजिबल है, कितना व्यवहारिक है और क्या वाकई अब इसकी जरूरत आ गई है कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है नवीन भाई? पिछले कुछ सालों में शहरी विभाग में लोक संख्या बहुत बड़े तैनात पे बढ़ गई और इसका इतना प्रभाव पड़ने लगा है कि यहाँ लोगों को घर मिलना भी मुश्किल होते गया और घरों की कीमतें भी बहुत बढ़ने लग गई। तो इसलिए ये शहरी समस्या को हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हुए इसमें कैसा हाउसिंग स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने FSI बढ़ा के उसको प्रमोशन दिया है। जैसा भी रीडेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने रोड विड्थ के हिसाब से मैक्सिमम 3 FSI और उसके ऊपर कुछ 60% एंसिलरी FSI, ऐसा 3.6 तक FSI जा सकता है, वो 4 तक भी जा सकता है। इसी तरह से बड़े बड़े प्लॉट जो 1000 मीटर से बड़े और 15 मीटर रोड से बड़े रोड पर अगर प्लॉट स्थित है तो उसको भी 4-4 FSI तक उन्होंने इसमें प्रमोशन किया है। और इसका मेन कारण है कि हाउसिंग स्टॉक क्रिएट होना चाहिए, आम आदमी को घर मिलना चाहिए और ये जो लैंड कोई क्रिएट नहीं कर सकता, जो अवेलेबल लैंड है उसी का प्लानिंग करना जरूरी है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत आवश्यकता होती है, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, बैंक है, ये सब चीज़ें उसके साथ निर्माण करना भी बहुत कठिन काम है। तो जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज करते हुए, अवेलेबल प्लेग्राउंड्स यूज करते करके यहाँ के हाउसिंग स्टॉक बढ़ाने के लिए उन्होंने FSI बढ़ाया है और इसका बहुत सारा उपयोग आम आदमी को होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। लेकिन इस 4 FSI का अब आप गौर करेंगे, अगर आप खबरों में देखे होंगे तो जो यहाँ के पूर्व पालक मंत्री गणेश नायक उसका विरोध कर रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर 4 FSI होती है तो इसे जो शहर का जो संसाधन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। तो क्या वाकई इससे तनाव बढ़ेगा?
इसमें जो अवेलेबल रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल है, स्कूल को भी उन्होंने 100% एडिशनल एफएसआई लेने का इसमें प्रावधान किया है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को भी 100% एडिशनल एफएसआई और उसका प्रीमियम भी उन्होंने बहुत नॉमिनल रखा है। तो इसके साथ साथ जो रेसिडेंशियल एफएसआई या कमर्शियल एफएसआई बढ़ने वाला है उसके साथ साथ स्कूल का, हॉस्पिटल का, इनका भी एफएसआई और जो भी ट्रस्ट के प्लॉट है उनको भी एफएसआई बढ़ाया गया है और उनका जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल रखा गया है। और इसके साथ साथ ये जो कमर्शियल एरिया डेवलप हो जाएगा उससे रोजगार भी बढ़ सकता है और हर एक आदमी को रोजगार मिलने से उनका जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। तो ये सब अच्छी बातें हैं, मेरे को नहीं लगता कि इसमें, और ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, ये नॉट ओनली इन नवी मुंबई, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए ऐसा किया है। सर जैसा कि आपने, आपका, आपके पास बहुत सारे मामले त्रिपाठी जी आते होंगे, कितना आप जो खबरों में देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट होगा इस सिटी पर, तो कितना इम्पैक्ट आपकी नज़र में दिख रहा है? अगर वास्तव में अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में किया जाएगा, जो स्टॉक कम हुआ है रेसिडेंशियल का, डेफिनेटली उससे आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे अगर स्कूल वगैरह की एफएसआई सर ने बताया कि अगर वो बढ़ा देंगे, क्योंकि एक चीज़ तो है कि अभी जैसे बम्बई में है, अगर आप एफएसआई बढ़ा करके बम्बई को मल्टी स्टोरीज बनाते जाएंगे तो आपके रोड सिस्टम वही हैं, ड्रेनेज वही हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो उसके साथ साथ हमारी जो टाउन प्लानिंग है या हमारा जो स्टेट का टाउन प्लानिंग है, उनको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफएसआई बढ़ा देंगे तो आपका रोड ड्रेनेज सिस्टम या और जो सप्लाई सिस्टम्स हैं उसको भी आपको उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसका प्रॉपर बेनिफिट लोगों को मिल पाएगा। और ये जो डिसीजन इन्होंने किया है, डिसीजन तो बहुत अच्छा है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा हो सकता है और उसको लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है, ये तो कुछ समय के बाद ही मालूम पड़ेगा। अभी तो जस्ट पास हुआ है तो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन के साथ में कोई भी जब नया रूल्स रेगुलेशन आता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के समय में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या आती हैं, जब तक वो नहीं आएंगी तब तक बहुत ज़्यादा इसके बारे में बता पाना मुश्किल है। एक चीज़ सर, आपने बीच में बातचीत में जिक्र किया था आपने कि यूनिफाइड जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल आया हुआ, ये क्या है, किस तरह से जरा आप समझाने की कोशिश करिए कि यूनिफाइड जो रूल अभी नया आया, जो ये नई जो गवर्नमेंट है इसने किया है, इसे कितना बड़ा फायदा होगा? क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में कुछ प्रावधान नहीं होने की वजह से इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखा गया था, तो क्या अब यूनिफाइड जो कंट्रोल रूल है उसके हिसाब से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक एजेंडा है। अच्छा। तो ये लाने से ऐसा हो जाएगा कि पूरे महाराष्ट्र में यूनिफॉर्मिटी रहेगी और इसमें नाम में एक प्रमोशन शब्द ऐड किया गया। प्रमोशन मीन्स हर सुविधा ईजी होना चाहिए। ये इससे क्या हो जाएगा, इसके पश्चात अभी आगे ये ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा तो सबको जल्दी से जल्दी परमिशन मिलना शुरू हो जाएगा और इसमें इजी हो जाएगा। इवन 150 से 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए तो परमिशन की आवश्यकता भी नहीं, उसको खाली मैंडेट सबमिट करना है, आर्किटेक्ट के ऊपर उसकी जवाबदारी डाली है। तो ये सब बहुत अच्छे सुविधाएँ हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, प्लान डेवलपमेंट भी होगा। अभी अपने पास लिटरेसी का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है तो उसके साथ साथ अपने को ये रूल्स में भी यूनिफॉर्मिटी लाना और सबके समझ में आने के जैसे रूल उन्होंने बनाए हैं। इसमें अभी ये रिसेंटली 3 दिसंबर से लागू हुआ है, अभी इसका करीब करीब 1 महीना हो रहा है आज कल के दिन। तो ये धीरे धीरे सब लोगों को जब पता चल जाएगा तो इसका बहुत सारा फायदा आम आदमी को होगा। और इसमें जो अभी सुविधा की बात किया हमारे त्रिपाठी जी ने, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, वो इससे जो प्रीमियम मिलने वाला है वो प्रीमियम गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी में शेयर होने वाला है। अच्छा। तो ये जो प्रीमियम है ये उनको अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए यूज करना है, इसका अकाउंटिंग भी अलग रखना है। अच्छा। तो इसमें ये भी बहुत बड़ा प्रावधान किया है। तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम हल करने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और इसमें सब लोगों ने भी इसको सहकार्य करना चाहिए और डिपार्टमेंट ने भी इसको इजीली और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू एवरीवन। एक इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा मामला आजकल देखने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो सबको आसानी से घर मिले इसके लिए अब रेलवे स्टेशनों पर, बस डिपो में जो खाली जगह थी उसके ऊपर बनाया जा रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये अगर ऐसा होता है तो इससे जो पार्किंग और दूसरी जो सुविधा के लिए जो प्लॉट्स बचे हुए हैं वो बड़ी मुश्किल उसके लिए हो जाएगी। आप दोनों लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि जो स्टेशनों पर और जो बस डिपो में जो खाली जमीन थी जहां अक्सर पार्किंग या दूसरी यूटिलिटी के लिए जिसका इस्तेमाल होता था, वहां पर अब बिल्डिंग बनेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप ये नाम लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन ज़रूरतमंदों को उनकी आय के अनुसार, उनके आय के अंदर उनको घर मिलना। तो अगर आप देखेंगे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति रहता है इस महानगर में, जैसे जहां हम रहते हैं बम्बई नई मुंबई में, अगर वो स्टेशन के नज़दीक रहता है तो उसको ट्रेन पकड़ कर अपने रोज़ अपने कार्यालय जाने में और अपने घर आने में बहुत सुविधा होती है। संजोग है, आपने जो क्वेश्चन पूछा और ये जो योजना का काम यहाँ पर कर रहे हैं सापुर जी पालन जी, उनका लीगल काम मैं देख रहा हूँ, और वो लोग जो यहाँ पे बिल्डिंगें बना आवास बना रहे हैं उन्होंने जो मेरे को बताया उसमें उन्होंने पार्किंग का बहुत अच्छा प्रोविज़न किया हुआ है उसके साथ में, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ होम है वो मतलब कास्ट तो उसकी बहुत कम है लेकिन जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बहुत अच्छी दे रहे हैं, और उसके कारण जो ये जनरल पार्किंग है और जो लोगों के लिए घर दिया जा रहा है उन दोनों का प्रॉपर पार्किंग का प्रोविज़न किया गया। इससे मुझे नहीं लगता कि जो पार्किंग की समस्या के लिए लोग चिल्ला रहे हैं उससे किसी का नुकसान होगा, वो बराबर है। और लोगों को घर मिलना बहुत ज़रूरी है, चूँकि एक आम आदमी को इस महानगर में घर लेने के लिए पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, और जो एक आदमी घर खरीद लेता है छोटे इनकम वाला तो पूरी ज़िंदगी ईएमआई भरने में ख़त्म हो जाती है। और अभी जो यहाँ पे घर प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिडको के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना में, बहुत कम लागत के हैं। जिनके पास घर नहीं है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आह्वान करूँगा कि ज़रूर इस योजना का लाभ लें, ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सर, एक सवाल आपसे बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे मन में आ रहा था पूछने के लिए कि नवम्बई की झोपड़पट्टियों के विकास के लिए 2016 या मुझे लगता है कि 2010 के आसपास SRA योजना के जरिए 1016 करोड़ रुपए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली थी जो जानकारी है, लेकिन वो पैसा वापस चला गया। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है स्वतंत्र SRA नवम्बई के लिए घोषित कर चुकी है कि ऐसा कोई प्राधिकरण बनेगा जो नवम्बई की झोपड़पट्टियों की जगह पर इमारतों का निर्माण करेगा। दूसरा इससे जुड़ा हुआ मामला जो है क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर है, जो गौठानों में कि जो सामूहिक तौर पर उसका विकास किया जाए और इस समस्या का हल किया जाए। आप इन दोनों को किस तरह से देखते हैं, दोनों ही योजनाओं को? SRA मतलब स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी होती है वो। पहले अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट करना पड़ता है। मेरे जानकारी के मुताबिक नवी मुंबई में अभी ऐसी अथॉरिटी कंस्टिट्यूट नहीं है, नहीं हुई है। जब तक ये कंस्टिट्यूट नहीं होती तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। उसके नियम भी प्रावधान भी अलग से होते हैं, जैसा अभी बॉम्बे में चलता है SRA, पुणे में SRA, मैं SRA में काम भी कर चुका हूँ। तो जब तक वो अथॉरिटी कंस्टिट्यूट नहीं करते तब तक उसका कुछ मतलब नहीं बात करके। तो जब अथॉरिटी कंस्टिट्यूट हो जाएंगे तो उसमें अपने आप उसके नियम, स्वतंत्र नियम बनेंगे। जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी है, स्लम एरिया है, वो ऑटोमेटिकली उस स्लम एरिया को घोषित झोपड़पट्टी के इसमें SRA का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो सकता है। और उसमें भी और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है डेवलपमेंट कंट्रोल के माध्यम से, जैसा अभी हिली एरिया में कुछ झोपड़पट्टी है तो हिली एरिया में इन सीटू डेवलपमेंट नहीं होगा। वो उसको क्या करेंगे, जो अवेलेबल लैंड है, फ्लैट लैंड जितना अवेलेबल है जहाँ पर डेवलपमेंट को अनुमति मिल सकती है, उन्होंने ऐसे डिसरूल्स में भी वो कुछ दिया है कि विच इज़ द साइट गुड फॉर डेवलपमेंट। तो उस के पैरामीटर्स के मुताबिक जहाँ अवेलेबल लैंड है वहाँ उसका विकास हो सकता है। तो इसलिए पहले स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी कंस्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है। क्लस्टर से जुड़ा हुआ मामला है, सामूहिक जो विकास का मामला है, क्या वो संभव हो पाएगा? क्या क्लस्टर का मामला अभी उसमें ओनरशिप का बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप जो ने जिक्र किया थोड़ी देर पहले इसके अगले इस एपिसोड में कि सिटी सर्वे होना जरूरी है। सिटी सर्वे होने से क्या हो जाएगा, कौन जिसका मालिक जिस लैंड का है, जितना एरिया का मालिक है वो पता चलेगा। फिर उसके बाद वो सब क्लब करके उसका बड़ा प्लॉट में रिकंस्टिट्यूट होगा। तो बड़ा प्लॉट में क्लस्टर डेवलपमेंट पॉसिबल है। जितना बड़ा प्लॉट करेंगे, जितनी बड़े रोड का नियोजन करेंगे उसके ऊपर उसको उतना ज़्यादा FSI मिल सकता है। अगर आप FSI ओनली मांगेंगे और रास्ते छोटे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। वो FSI देने से वहाँ की डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ने से वहाँ के रोड नेटवर्क बहुत अच्छा होना जरूरी है। इसलिए पहले उसका सिटी सर्वे होना जरूरी है, सिटी सर्वे के बाद ये सब इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। सर, दो आखिरी सवाल हैं। एक तो ये कि मैं सिर्फ ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस पर, ये सवाल नहीं एक्चुअली, ओपिनियन एक तरह का। MRTP एक्ट में दीघा की दर्जनों इमारतों के खिलाफ केस चला और तमाम इमारतें तोड़ी भी गई, लेकिन वहीं उसी क्षेत्र इसी नवी मुंबई में पाम बीच रोड के किनारे तमाम बड़ी बड़ी इमारतों को लेकर भी मामला चला, लेकिन उन इमारतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आप लोगों को क्या लग रहा है कि चूंकि आप कानून जानते हैं तो ये क्या कानून का दोहरापन नहीं है जो लोगों के मन में आता है कि अमीरों के लिए कानून अलग है और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए कानून अलग है? देखो अभी इसमें दो आपने जो लोकेशन बताया दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। पाम बीच रोड की सभी जो प्लॉट है वो सिडको ने टेंडर में दिए हैं या अलॉट किए कोई सोसाइटी को और वो लोगों ने परमिशन लेके घर बनाए हैं। लेकिन जो दीघा का आपने केस बोला, दीघा में ऐसा कोई प्लॉट नहीं दिया गया था या किसी को परमिशन नहीं दिया गया था, वो बन गई थी हमारे, जैसे आपने उसको बोलते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, और ये भी आपको भी इसकी अच्छी तरह जानकारी है। और वो मामला कोर्ट में भी था, तो इसमें कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो भी एक्शन हुआ है दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। त्रिपाठी जी क्या कहना चाहेंगे आप? संजोग से क्योंकि आप इसमें वकील भी रहे हैं। संजोग से उस केस में मैं वकील था बॉम्बे हाई कोर्ट में, मेरे ही ऑर्डर पे डिमोलिशन हुआ था। लेकिन अभी अग्रकर साहब ने एकदम क्लेरिफाई किया कि जो दीघा का इशू है वो दीघा का इशू पाम बीच, पहली बात तो मैं ना तो पाम बीच के इशू को सपोर्ट करता हूँ ना तो दीघा के इशू को सपोर्ट करता हूँ। इलीगल जहाँ पे भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। भले मैं एडवोकेट हूँ, अगर कोई भी इलीगल, पहली बात तो इलीगल करना नहीं चाहिए और अगर इलीगल करते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, टू बी फ्रेंक। दूसरा जो दीघा का इशू था, दीघा के इशू में क्या हुआ था, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉई, लोकल पुलिस ऑफिसर का एक नेक्सस बन गया था। उस नेक्सस के तहत जो सरकारी ज़मीनें थी उस सरकारी ज़मीनों को के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था और उसका कोई अलाटमेंट नहीं था, उसका कोई प्लान नहीं था। ये चीटिंग यहाँ, ये फोर्जरी यहाँ तक नहीं हुई थी, फोर्जरी तो यह हुई थी कि उन जो बिल्डिंगें बनी थी उसमें जो सीसी निकाली गई थी वो सब फोर्ज थी, फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड थी। तो वो क्लियर कट, मतलब उसमें तो कोई ग्राउंड ही नहीं था कि ऐसा कंस्ट्रक्शन रोकना चाहिए। रह गई बात पाम बीच की, पाम बीच में जो जो बिल्डिंगें बन रही हैं, जो जो बिल्डिंगें बनी हैं उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं, उसमें जो मामला है FSI वायलेशन का है। अगर उस मामले में आप आएंगे तो अगेन फिर MRTP एक्ट आता है कि सेक्शन 44 और जो और रेलिवेंट सेक्शन है उसके उस सेक्शन के अंतर्गत अप्लीकेशन दी गई है और मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कोर्ट ने या प्रशासन ने कोई दोहरा रवैया अपनाया है दो डिफरेंट एरियाज़ के लिए। तो दोनों का मुद्दा पहली बात तो अलग है, वहाँ पे टोटली इलीगल कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे FSI वायलेशन का मामला है और FSI वायलेशन के मामले में रेगुलराइजेशन की एप्लीकेशन दी गई है। अच्छा। और कोर्ट उसी ग्राउंड पे स्टे दिया हुआ है। तो कोर्ट ने जो दोनों ऑर्डर दिए थे वो दोनों ऑर्डर मैं बोलूँगा 100% प्रॉपर ऑर्डर थे, उसमें कोई परवर्सिटी नहीं थी, उसमें इम्परेटिव क्वेश्चन इन्वॉल्व थे और इसके लिए उसके बेस पर कार्रवाई की गई। और मैं इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि उस PIL के ऑर्डर के बेस पे लगभग 99 बिल्डिंग को और डिमोलिशन होना है, उसके ऊपर प्रशासन को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये जो नई मुंबई सिटी, इतना प्लानिंग का सिटी बताया जाता है, जो हम लोग नई मुंबई को मतलब इंडिया का नंबर वन क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी देने का कोशिश करवा रहे हैं, उसमें ये सब बाधा है और ऐसे इलीगल काम करने वालों को इनकरेजमेंट मिलेगा। तो जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और अगर नहीं होगा तो ये 2021 में जून के बाद मैं खुद उस मैटर को फिर ओपन करूंगा। सर आखिरी सवाल मेरा है, पता नहीं आप लोगों से ये जुड़ा हुआ है सीधा कि नहीं जुड़ा हुआ है, बहुत सारे मुंबई की इमारतें हैं जो मोफा एक्ट में उनके जो डेवलपर हैं उनके खिलाफ भी मामले चल रहे हैं, आपने खुद भी कई मामलों में इसको इंटरवेन किया है, मोफा एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आखिर क्यों इस तरह की बात होती है, कन्विंस डीड नहीं होता, बिल्डर अपनी मनमानी करते हैं या पैसे का लेन देन का मामला होता है जिसके वजह से फ्लैट ओनर को सही तरीके से डिलीवरी नहीं हो पाती है, पजेशन नहीं हो पाती है, इसका क्या समाधान होना चाहिए? जो मोफा एक्ट था उस मोफा एक्ट से बेटर अभी महाराष्ट्र में एक एक्ट आया है रेरा। अगर आप रेरा एक्ट में देखेंगे तो जो रेरा एक्ट है ये जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया एक्ट प्योरली वेलफेयर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द बायर्स के फेवर में है और मोफा की जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें कवर होती हैं। और इस एक्ट के आने के बाद
मुझे ऐसा लगता है कि 50% लोगों को मतलब 50% प्रॉब्लम राहत मिली है। yes, yes, yes. और जो आपने बताया कि जो कन्विंस डीड बिल्डर्स नहीं करते थे और लोग मोफा एक्ट में जाते थे उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, उसका मेन इशू जो था ये जो FSI का अभी हम लोग चर्चा किए कि उसमें जो प्लाट इसलिए बिल्डर्स सोसाइटी के नाम पे कन्विंस नहीं करता था कि इन जब तक प्लाट उसके नाम पे रहेगा उस प्लाट पर अगर फ्यूचर में कोई भी FSI आएगी तो उसका बेनिफिट लेगा। okay. और उसी के मद्देनज़र अभी जो गवर्नमेंट ने अभी जो डीम कन्विंस की योजना, अच्छा कि आपने बहुत अच्छा, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि डीम कन्विंस की योजना एमिनिस्टी चालू है जो 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक रहेगी, जिसमें बिल्डर की NOC की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें आपकी बिल्डिंग लीगली ओके है और वहाँ पे के लोग चाहते हैं तो इस 15 दिन के अंदर वो सारा प्रॉपर फॉर्मेट में कंसर्न डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो उनको इमीडिएटली कन्विंस मिल जाएगा और उसको नई मुंबई के लोगों को इस योजना का इमीडिएट फ़ायदा लेना चाहिए। और अगर किसी भी फ्लैट किसी भी बायर्स को या किसी भी रेसिडेंस को कन्विंस की कोई समस्या है तो मोफा से बेटर प्रोविज़न रेरा में दिए गए हैं, रेरा के अंतर्गत जा करके वो कार्रवाई कर सकते हैं और इसमें इमीडिएटली फास्ट डिसीजन मिलता है। सर मैं आखिर में एक एक लाइन में आपका जवाब चाहूँगा। MRTP एक्ट बेहतर तरीके से लागू हो और अवैध कंस्ट्रक्शन रुके, लोगों को फेयर तरीके से उनका परमिशन मिल जाए, इसके लिए आप महानगर पालिका और नागरिकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसमें नागरिकों को इतना ही सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी प्लान आप पास करवा लेते हैं वो प्लान के मुताबिक आप कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, आपकी जवाबदारी है। और महानगर पालिका को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी प्लान आते हैं उसकी स्क्रूटनी जल्दी से जल्दी करके उनको जल्दी से जल्दी परमिशन देने का प्रावधान करना चाहिए, तो डिले करने में या उसको सुविधा मिलने में बाधा नहीं आना चाहिए, उसको सिंप्लीफाइड करना चाहिए और मैक्सिमम हो सके तो उसको ऑनलाइन करना चाहिए और जितना जल्दी परमिशन मिलेगा उतना जल्दी उसका बेनिफिट्स आम आदमी को मिल सकता है। यस सर, नई मुंबई शहर जो है इस समय हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बेस्ट शहर माना जाता है। यहाँ के सिटीजन से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप MRTP एक्ट के अंतर्गत जो परमिशन ग्रांट रहेगी अगर उसके हिसाब से प्रॉपर लीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे और रूल्स रेगुलेशंस को ओबे करेंगे तो इस शहर में आप रहने वाले हैं, ना कि वो ऑफिसर जो आपके ऊपर नोटिस भेजता है, क्योंकि ये शहर आपका है। अगर आप चाहते हैं कि नई मुंबई शहर 2022 में इंडिया का सबसे बेस्ट सिटी हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करें और कोई भी रोड पे इंक्रोचमेंट नहीं करें और इस शहर को इतना साफ सुथरा रखें कि अगले साल जब नई मुंबई जब इंडिया के शहरों की काउंटिंग हो तो उसमें हम तीसरे नंबर से पहले नंबर पे आएं और हमको गर्व हो कि हम नई मुंबई में रहते हैं। इसी के साथ सभी नई मुंबई वासियों को नए साल की शुभकामना, जीवन में आप उन्नत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ थे नई मुंबई के पूर्व टाउन प्लानिंग डायरेक्टर किशोर अग्रहरकर साहब और हाईकोर्ट के मशहूर वकील एडवोकेट रमेश त्रिपाठी जी, दोनों ही हमारे जो पैनलिस्ट थे हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। आज का जो विषय था MRTP एक्ट, 4 FSI और क्लस्टर डेवलपमेंट, SRA, तमाम मुद्दों पर हमने आपसे सवाल पूछा, आप लोगों ने बखूबी उसका जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय देना मत भूलिए, दीजिए अब हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।